शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब आपको कुछ तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो जश्न की लहर है वो यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावी नतीजों में बीजेपी पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक के रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी 48 सीटों के साथ में हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है और इस हिसाब से बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का वोट शेयर 40% के करीब पहुंच चुका है, जो कि पिछले 3 विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा है। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 33.2% था, वहीं 2019 में बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो 37.4% था, लेकिन इस बार के चुनाव में अब तक का वोट शेयर 39.94% हो चुका है। हरियाणा में हैट्रिक पर बीजेपी में जश्न का माहौल है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आपको हम अलग अलग इलाकों की ये 7 तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंबाला की बात करें या फिर ये तमाम कुरुक्षेत्र की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ये तमाम वो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से जो जश्न बता रही हैं। और कोमल हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई, इनका रुख कर लेते। कोमल, ओवर टू यू। समर्थकों की भारी भीड़ है, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया पूरी तरह से। और देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। ये ऊपर देखिए कार्यकर्ताओं के साथ ऊपर गाड़ी में चढ़ गए हैं और अब ऐसे ही हो जाएंगे, अपने आवाज जाएंगे जहाँ पे इनका और स्वागत किया जाएगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, चलिए को मतलब वापस लौटेंगे, लेकिन अंजलि भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि, क्या कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रही हैं जश्न की? ओवर टू यू। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं और नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। बिल्कुल अंजलि, हम वापस लौटेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत लग रहा है, लेकिन तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, गुलाल उड़ाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें कि कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि खास तौर पर तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव में नहीं बटे हिंदू, लोगों ने मोदी की गारंटी पर दिखाया भरोसा। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। सीएम योगी का चल गया जादू। भारतीय जनता पार्टी का झंडा। श्री राम, जय जय श्री राम। हरियाणा में खिला कमल ही कमल। हरियाणा चुनाव में आज वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। सुबह तक कांग्रेस नेता जीत का दावा करते नहीं थक रहे थे। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस 10 साल बाद किसान, पहलवान, जाट और जाति कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के दलित पिछड़े वाले शिगोफे को पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के जाति कार्ड की हवा निकालकर भरोसा जताया तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर और योगी के वादों पर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव ये अपील करते रहे कि जातियों में बंटना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की हर एक रैली में एकजुटता का संदेश दिया था।
कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए, जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई दे। आज जब नतीजे आए तो हरियाणा की जनता ने मोदी की गारंटी और योगी के भरोसे पर मोहर लगा दी। ना तो हिंदू जातियों में बटा और ना ही विपक्षी दलों के लोग लुभावन वादों के जाल में फंसा। वोट पड़ा तो एक तरफा कमल। इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश हरियाणा आज बीजेपी के मोदी जी के पीछे खड़ा है। पूरा हरियाणा बीजेपी की जीत के साथ भगवामय हो गया। बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। समर्थक मिठाइयां बांट रहे हैं तो कोई जीत की खुशी में झूमकर नाच रहा है। वहीं कांग्रेस के खेमे में खामोशी छाई है। विपक्ष को लगता था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह जाति कार्ड खेलकर संविधान खत्म करने की बात कहकर उसने बीजेपी को पूर्ण बहुमत आने से रोक दिया था, वैसे ही हरियाणा में इस बार बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देगी। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों के ये तमाम हथकंडे काम नहीं आए। कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत ने ये बता दिया है कि देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, स्टार प्रचारक योगी पर भरोसा है और देश के विकास पर भरोसा है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक इस बात का संकेत दे रही है कि इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव भी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो मोदी का कोई तोड़ है और ना ही योगी जैसा कोई लोकप्रिय नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।